everyone. So this is the continuation series of Indian polity, and moreover these are multiple facts I am discussing, moreover focusing on prelims, and these are important points for mains also. But similarly, I will suggest you to focus more on prelims first, because March, today is 7th of March and our exam is on 5th of June. So first of all, we should focus on prelims first, and parallelly, similarly, once you are reading it, then you just look at the previous year question of mains also. Kuch questions main aapko dikhati hu, so that will give you more idea. Let me show you Ghatna Chakra. Just give me a minute. So in the last video, I have shown some questions on बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन जो था, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन और नॉट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. लास्ट टाइम मैंने 30 तक आपको कुछ चीजें शो की थी. सो लेट्स डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28. हियर इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री formed in the election of the year 1937. So इसका जो answer था वो disputed है यहाँ पे भी, इसीलिए कोई clear answer नहीं दिया गया है. But according to the explanation, इसका जो main answer है वो 8 दिया गया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, and out of 11. तो answer एक बार देखते हैं. Provincial elections were held in British India in 1936 to 37 as mandated by the Government of India Act 1935. The election was held in 11 provinces: Madras, Bihar, Central Provinces, Orissa. Apart from this, United Provinces, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है. Apart from this, Mumbai. Presidency of Assam, NWFP, Bengal, Punjab and Sindh. The Congress Ministry was formed in 8 provinces out of 11 in the election of 1937. So, इसका आंसर इसीलिए क्योंकि 8 है, 11 में से 8 में फॉर्म हुआ था, तो इसका आंसर 8 होगा. बट हमारे उसमें आंसर में ये ऑप्शन नहीं है, सो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, जो क्या बोलते हैं, अगर आप कमीशन की तरफ से देखते हैं तो काफी सारे आंसर गलत आते हैं. जैसे कि 2021 में भी लोग बोल रहे थे, 2020 का जो आंसर शीट यूपीपीसीएस के ने जो शो की है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ आंसर्स आई थिंक 7 to 8 आंसर्स बदल दिए हैं. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. तो इसको अभी छोड़ देते हैं. बट हाँ, ये चीज हमें ध्यान रखनी कि 8 जगह पे, ये एक्सप्लेनेशन में भी आएगा, तो 8 जगह पे उनकी कमेंट फॉर्म हुई थी. सिमिलरली, इफ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 29, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चूज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था. सो द आंसर वॉज क्रिस्प मिशन. ये मैंने डिस्क्राइब भी किया है, और मैंने बोला था क्योंकि हिस्ट्री में हमने क्रिस्प मिशन और साइमन कमीशन दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब बहुत डिटेल में नहीं किया है. जस्ट गो थ्रू बोथ साइमन कमीशन एंड क्रिस्प मिशन इन डिटेल. आप खुद से थोड़ी स्टडी करिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वन बाय वन जो जो बुक सजेस्ट कर रही हूं मैं, ट्राई टू टेक ऑल दोज बुक्स एज वेल. आप घटना चक्र ले लो, लक्ष्मीकांत की बुक ले लो. उसके अलावा अगर आप मार्केट से किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो. आई हैव टेकन द हेल्प फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके पास विजन आईएएस के नोट्स थे, तो आई परचेज फ्रॉम लाइक आफ्टर ही रेफर्ड मी. तो मेरे पास वो कुछ नोट्स थे, तो वो मैंने रेफर किए थे, तो मुझे ईजी लगा. तो आप भी वीडियो ये वाली देख के आप इजिली नोट्स रेफर करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, बिकॉज जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो उसी परफॉर्मा में है, तो आपको ईजिली आप रिलेट कर पाएंगे इसको. अपार्ट फ्रॉम दिस, सो दैट वॉज क्रिस्प मिशन 1948. If we talk about question number 30, objective of Ilbert Bill, reference to colonial rule in India was. So, जो Ilbert Bill का जो objective था
विद द रेफरेंस ऑफ कलोनियन रूल इन इंडिया, वो क्या था? तो एक बार ऑप्शन में देखते हैं, टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वॉज कंसर्न्ड, टू पुट अ स्ट्रिक्ट रेट्रिफिकेशन ऑन लोकल प्रेस बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एंटी टू कलोनियल रूल, ये बिल्कुल भी नहीं था. टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया टू एनकरेज इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन इट, बिल्कुल ये भी नहीं था. टू अमेंड द आर्म्स एक्ट फॉर वेपन परमिट टू इंडियंस, दिस वॉज नॉट देयर. सो इसमें सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो वन ही लग रहा है. एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सो चीज इजिली आपको समझ में आएंगी. द इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 फॉर ब्रिटिश इंडिया by Viceroy Ripon, who proposed an amendment to existing laws in the country at the time to allow Indian judges and magistrates, तो इंडियन जजेस और मजिस्ट्रेट को अलाउ किया था, the jurisdiction to try British offenders in criminal cases at the district level, something which was not allowed at that time. So it was like 1883 में वाइसरॉय रिपन ने मजिस्ट्रेट एंड जजेस के लिए दे अलाउड इट. सो इट वॉज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम अदर क्वेश्चन. अगर आप लोअर पीसीएस 2015 में आए थे ये क्वेश्चन, सो इस टाइप के क्वेश्चन है दैट एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वन रिप्रेजेंटेटिव वॉज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन. तो उसका रेशो क्या होता था, इसका 10 लाख है ये, अगर आप जनरली बुक में भी है तो ये इजीली आप इसको रिमेम्बर भी कर सकते हो और ये डिस्कशन में आता ही है. तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे. आई विल सजेस्ट कि आप जब भी देखें तो किसी भी रेफरेंस बुक को ले सकते हो. एज आई परचेज घटना चक्र मुझे ज्यादा बेटर लगी औरों से, तो मैंने इसीलिए घटना चक्र लिया है. आप कोई और देख सकते हो, विच सूट्स यू मोर. सो लेट्स डिस्कस 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो एक क्वेश्चन आता है, अगर हम 1935 एक्ट की बात करते हैं, मोर देन 70% प्रोविजन या फिर आप कह सकते हैं 200+ प्रोविजन्स हैज टेकन एज इट इज और मे बी इन द मॉडिफाइड टर्म फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने जो भी ये प्रोविजन थे हमने वहां से एज इट इज क्यों लिए. सो द आंसर वॉज दैट सपोज करो कि आप किसी भी रूल को फॉलो कर रहे हो या फिर आप कहते हो जैसे इंडिया में रेड लाइट का कॉन्सेप्ट है कि अगर रेड लाइट हो जाती है तो आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो, ग्रीन लाइट होती है तो इट विल गिव यू द सिग्नल दैट या नाउ वे इज क्लीन यू कैन गो फॉरवर्ड. तो अगर ये चीज को सपोज करो ऑपोजिट कर दें कि आपको रेड लाइट पे जाना है और ग्रीन लाइट पे रुकना है, तो आई थिंक ये टाइम को अडेप्ट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग अ रूल. तो सिमिलरली जो 1935 का जो एक्ट थे उसमें जो कुछ अच्छे प्रोविजंस थे उनको देखते हुए लगा कि आई थिंक 1935 के जो कुछ प्रोविजन थे जो इंडिया के लिए अच्छे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो एज इट इज लिए और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको मर्ज कर दिया. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉपर प्रोविजंस क्या थे, सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स वन बाय वन बिकॉज रीजन वॉज दैट वी हैव अडॉप्टेड ओनली दोज प्रोविजंस विच वॉज गुड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विच वॉज गुड फॉर इंडियंस. अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर पॉइंट वॉज ब्रिटिशर रूल्स ऑन इंडिया एपेक्स 200 ईयर्स इट वॉज नॉट दैट ईजी टू Eliminate all the laws and provision because अगर आप 200 साल कोई आपके ऊपर रूल कर रहा है और आप उसी तरीके से चीजें करना आ गया आपको एकदम से आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने में टाइम लगता है किसी भी चीज को अडेप्ट करने में. सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन. अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा नहीं था कि सारे रूल्स खराब थे. दैट वॉज एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, एबोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, सो दीज वर गुड लॉज एंड उसी के बेसिस पे अगर हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोविजन अच्छे थे. सो उसको डिस्कस पूरा आई मीन 200 प्रोविजन्स तो हम नहीं वो कर सकते हैं मतलब स्टडी इस टाइम पे, बट हाँ ये है कि जब हम 1935 का एक्ट
टाइम बाय टाइम यूज होगा या फिर हमें पता चलेगा कि ये 1935 से लिया गया है, तो हम फैमिलियर हो जाएंगे कि वहां से जो अच्छे प्रोविजन थे वो अडॉप्ट किए गए हैं. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट, वी फॉलो 1935 के जो लॉज थे, सो दैट इज हाउ. और भी रीजन जो था इसका, इंडियन ऑल्सो एंटर्ड इन द लॉ मेकिंग टेरिटरी. जैसे कि ब्रिटिशर्स लॉ बनाते थे तो इंडियंस को भी उस तरीके से लॉ बनाने की आदत हो गई थी. दैट वाज आल्सो द वन ऑफ द रीजन के उसमें से जो भी अच्छे प्रोविजंस थे हमें वो हमने लिए, और उसके अलावा जो भी एड ऑन्स थे तो ठीक से किसी लॉ को इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाना और उसको डिलीवर करना लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, इट वॉज नॉट दैट ईजी. और इस सारी चीजों को ध्यान में रखे ही ये प्रोविजंस लिए गए थे. बिकॉज अगर हम बात करते हैं, बिकॉज द एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइल स्टोन टूवर्ड्स लाइक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, इट वॉज अ लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स अर्लियर इन द इनिशियल डेज. आफ्टर दैट जो 12 जो अभी 2 शेड्यूल बाद में एड हुए थे, एंड उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे जो 1935 से लिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉज डायार्की इन प्रोविंसेस एंडेड. जो डायार्की का सिस्टम था, ड्यूअल सिस्टम, वो वहां से प्रोविंसेस से एंड करके उसके बाद जो डायार्की स्टार्टेड एट सेंटर. जैसे सेंटर स्टेट का रिलेशन या सेंटर स्टेट की यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है, सिमिलरली यहां पे भी फॉलो हुई. अगर हम बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्टेड, प्रोविंसेस को कह सकते हो कि एक अधिकार दे दिया गया अपने डिसीजंस के लिए. आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके अलावा फेडरल कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ वहां पे, एंड एम एन रॉय हैज गिवन द आइडिया टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एम एन रॉय, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एम एन रॉय वॉज द पर्सन हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ Constituent Assembly formation, and it provided for the establishment of an All India Federation consisting of provinces and princely states. So, अगर हम princely states और उसकी term में बात करते हैं, जैसे division of power, so center में जैसे federal है, उसी के बाद आप बात करते हो units in terms of three lists, जैसे federal, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया था, और सेंटर की एक अलग लिस्ट थी. सो इसी सिमिलरली पहले क्या था कि दोनों सेंटर और यूनियन ऑफ इट्स थ्री लिस्ट दोनों को तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट. डायर्की एट सेंटर स्टार्टेड, फेडरल सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट दो में डिवाइड किया गया था. बट अगर आप रियलिटी में बात करते हैं, दीज दिस हैज नॉट बीन लाइक इन कम इन द इफेक्ट, कि उसको वहां पे ना प्रॉपरली ऑपरेट नहीं किया गया था. इट वॉज जस्ट ओनली डॉक्यूमेंटेड, कि डॉक्यूमेंट में शो किया गया था कि हाँ दो उसमें डिवाइड किया गया पावर को, फेडरल सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में, बट उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. अगर हम बाइक्रैमरलिज्म की बात करते हैं, सो बाइक्रैमरलिज्म जो है सिक्स प्रोविंसेस में अप्लाई किया गया था. दैट वॉज इन बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस. उसमें क्या था कि जैसे अभी के टाइम में अपर हाउस और लोअर हाउस है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसमें डिवाइड किया गया था. लेट्स सो ये दिस वॉज द लास्ट पॉइंट. एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ओनली दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. आप लक्ष्मीकांत से जाके और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए इट वॉज द इंट्रोडक्टरी सेशन एंड जो भी स्टार्टिंग की क्लास है. तो ये चीजें आपको जब वन बाय वन समझ में आएंगी तो हम इसको और डिटेल में करेंगे बाद में. सो ऑन फेब्रुअरी 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एंडेड बाई 30th of June 1948. आफ्टर दैट द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स. एंड अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय the agitation by the Muslim League and demanding partition of country. Because जब एटली ने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे 1948 में, प्रॉपरली इंडिया फ्री हो जाएगा, उस टाइम पे जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने बेसिकली उन्होंने
एक सेपरेट कंट्री का डिमांड किया एंड दैट वाज पार्टीशन ऑफ अ कंट्री। तो ये चीजें वो इसलिए ही उनको लगा था कि अगर अभी मैं ये एजिटेशन नहीं करता हूं तो शायद मुझे मेरी बात नहीं सुनी जाएगी या फिर मेरी बातों को इग्नोर किया जाएगा, शायद हमें पार्टीशन नहीं होगा। सो ही स्टार्टेड एजिटेशन एंड दैट्स व्हाई द एजिटेशन हैज स्टार्टेड। बहुत मुश्किल से चीजें कंट्रोल में आई एंड उसके बाद पार्टीशन के लिए जितने भी लाखों लोग, मतलब इतनी मारकाट हुई। उसके बाद गांधी जी हैज गॉन फॉर फास्टिंग। बहुत मतलब काफी ब्रॉड बैकग्राउंड है उसका, वी विल डिस्कस इट जब हम, क्योंकि हिस्ट्री में ये सारी चीजें हमने काफी डिटेल में पढ़ी हैं, तो पॉलिटी में मैं उस टर्म में नहीं जाना चाहती, बस आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे बैकग्राउंड में क्या सिचुएशन थी। सो दिस वॉज 1947। अब उसके बाद जो भी स्टार्ट होगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन बाय वन शेड्यूल, बाकी सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन दिस इज लाइक द लास्ट ऑफ व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इसका बैकग्राउंड होगा वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से क्या लिया गया है। एंड देन वी विल स्टार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो भी उसके प्रॉपर प्रोविजन है या उसको काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम। सो टिल देन स्टडी वेल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, हूसोएवर इज confused about how to start polity and how to start other subject also. So hope I am helping you people. It is just only the motivation ke agar aapko cheeze achhi lag rahi hain, just give me a simple comment ke haan theek hai, I think you are able to understand what I am delivering it. आपको क्योंकि बुक्स की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी, हु सो एवर विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड, बट अगर आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे तो चीजें उतनी क्लियर नहीं होंगी, आपको खुद से एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। सो दिस इज द पर्सनल सजेशन, आप उसको मतलब ये है कि टेक इट सीरियसली एंड परचेज द बुक्स इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, एंड उनको पॉइंट बाय पॉइंट जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए उनको आप मैच करो, आप समझो जो चीजें मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में मेंशन करी हैं। उसके बाद हम एक मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए भी डिस्कस करेंगे कि किस चीज को कितनी डिटेलिंग में लिखा गया है, तो ये आई थिंक आपके लिए इजी होगा। ये काफी मैंने समराइज्ड नोट्स इसलिए थे क्योंकि आप लक्ष्मीकांत से ये चीजें पढ़ के आपको इजीली बस समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ था, दैट विल बी द मोटो। क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये सारी चीजें बहुत सारे मैंने स्टार्टिंग में भी देखा कि इतना डिटेल में नहीं कराए गए हैं, क्योंकि मुझे भी काफी प्रॉब्लम हुई थी। जो चीजें मैंने अंडरस्टैंड करी हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प के इजीली जो भी स्टार्टिंग में बिगनर स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख के ये चीजें समझ आएंगी तो पॉलिटी बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए मुझे फील हुआ कि पॉलिटी को आसान करने का भी ये मुझे एक तरीका मिला कि आई थिंक दैट विल हेल्प यू। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। Study hard.